रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 सुर्खियों में आ गया है। इस सीजन में घर में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बार घर में पहले तो बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर देते हैं और फिर सभी घर वालों को बारी बारी से कन्फेशन रूम में बुलाकर एक ब्लैंक पेज पर सभी घर वालों के नाम लिखने के लिए कहते हैं। इसके बाद बिग बॉस बताते हैं जिस भी कंटेस्टेंट का नाम ब्लैंक पेज पर आखिर तक रहेगा वो बेघर होने से बच जाएगा। वहीं जब बिग बॉस द्वारा दिए गए नॉमिनेशन टास्क में सबसे पहले बिग बॉस रुबीना दिलैक को सीक्रेट रूम में बुलाते हैं। रुबीना जादुई किताब पर अभिनव शुक्ला का नाम लिखती हैं। जब वह बाहर आती है तो अली गोनी कहते हैं कि रुबीना ने राहुल वैद्य का नाम लिखा होगा। इस पर राहुल कहते हैं कि बिल्कुल सही गेस किया है। वहीं अभिनव के बाद सीक्रेट रूम में राखी सावंत जाती हैं। राखी अभिनव शुक्ला का नाम देख रोने लगती हैं और कहती हैं कि अभिनव ने उनके साथ बुरा किया है। इसके बाद राखी अभिनव शुक्ला का नाम लिखा रहने देती हैं। राखी के बाद अर्शी खान सीक्रेट रूम में जाती हैं और वह भी अभिनव का नाम लिखा रहने देती हैं। इसके बाद देवोलीना भट्टाचार्जी और निक्की तंबोली बारी बारी से जाती हैं, पर राहुल वैद्य का नाम देखकर उसे लिखा ही रहने देती हैं। इस तरह आखिर में पेज पर राहुल वैद्य का नाम लिखा रह जाता है और उन्हें छोड़कर सभी घरवाले नॉमिनेटेड हो जाते हैं।